अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस लेस को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी नायलॉन का थ्रेड, और नीडल नंबर हमें चाहिए 0 नंबर 1.75 mm। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद हम लेंगे 3 चेन, 1, 2, 3। 3 चेन लेने के बाद अब हमें पफ स्टिच बनानी है, जिसके लिए हम नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और फर्स्ट गैप में अंदर जाएंगे। इस तरीके से धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब इसमें से हमें बाहर नहीं आना है, फिर से हम नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे। पफ स्टिच लेने के लिए हम जितनी डबल क्रोशेट का हमें पफ बनाना है उस तरीके से हम नीडल अंदर डालते जाएंगे और धागे लेते बाहर आते जाएंगे। ये 2 टाइम्स हमने ले लिया डबल क्रोशेट, अब ये 3 टाइम। अब ये लास्ट 4 टाइम। अब फिर से हम नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और सब में से एक साथ बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से अब हम इसे नीडल पर फोल्ड करके इस तरीके से लॉक कर लेंगे। अब फिर से हम लेंगे 2 चेन और ये फ्रंट साइड है, इसके बैक साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 3 चेन का जो हमने स्टार्ट में लिया था उसका गैप मिल जाएगा। अब उस गैप में हमें पफ स्टिच बनानी है। फिर से नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, गैप में अंदर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और सेम उसी तरीके से हम 4 टाइम्स करेंगे। नीडल में धागा लेते हुए अंदर जाएंगे और धागा लेते हुए बाहर आएंगे। 3 एंड ये लास्ट 4। अब सब में से एक साथ हम बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से फिर हम नीडल पर धागा फोल्ड करके इस तरीके से लॉक कर लेंगे। अब फिर से हम 2 टाइम्स चेन ले लेंगे। अब फिर से हम टर्न ले लेंगे। अब इस तरफ के गैप में ये 3 चेन का गैप इस तरफ आ गया। सेम इसी तरीके से हम पफ स्टिच बनाएंगे, धागा लेते हुए गैप में अंदर जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। ऐसा टोटल हम 4 टाइम्स करेंगे, 2, 3, 4। अब जितने भी धागे हमें नीडल पर दिख रहे हैं सब में से हम एक साथ बाहर आ जाएंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इस गैप में से हम बाहर आ जाएंगे, तो ये ऐसे लॉक हो जाएगा। फिर से हम 2 चेन ले लेंगे और टर्न ले लेंगे। अब इस तरफ वाले गैप में हम अंदर जाएंगे और धागा लेते हुए बाहर आएंगे। ऐसा हमें टोटल 4 टाइम्स करना होता है, 3 और ये 4। ज़्यादा हाथ टाइट ना रखें, इस तरीके से लूज ही रखना। अब नीडल पर धागा फोल्ड करके सब में से एक साथ हम बाहर आ जाएंगे। अब इसे हम इस तरीके से लॉक कर लेंगे। फिर से हम लेंगे 2 चेन, टर्न ले लेंगे और नीडल पर धागा फोल्ड करके इस गैप में हम अंदर जाएंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, टर्न लेते हुए हर बार गैप में 4 टाइम्स नीडल पर धागा फोल्ड करके पफ स्टिच ले लेनी है। ये देखिए 2 चेन ले लेना है, टर्न लेकर गैप में हम 4 टाइम्स धागा फोल्ड करते हुए पफ स्टिच बना लेंगे और ऐसे लॉक कर लेंगे। फिर से हम 2 चेन ले लेंगे,
टर्न लेकर इस गैप में फोर टाइम्स धागा लेकर पफ स्टिच बना लेंगे। टू चेन लेकर टर्न ले लेंगे। सो गाइस, इसी तरीके की इजी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, और जो भी क्रोशेट लवर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे बी नेचुरल सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर एक बार विजिट करना। अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छी लगती है, हेल्पफुल है अगर आपके लिए वीडियोज़, तो प्लीज़ उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की लेस बनती जाएगी। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना बिल्कुल ना भूले लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।